मेरी खुशी है कि भारत सरकार तो 45% दे रही है पैसा, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने 45% के अलावा 10% ही जो मैंने घोषणा की बजट के अंदर कि गांव वालों से जो पैसा सामूहिक रूप से इकट्ठा करने की बात थी, वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट अपने खजाने से देगी, जिससे कि उनको भार नहीं पड़े। क्योंकि एक तरफ महंगाई राशि भी लगा रहे हैं, महंगाई के दौर के अंदर गांव वालों से पैसा मांगना उचित नहीं समझा गया, इसलिए हम लोगों ने 10% पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से देगी, जिससे कि 55% की भागीदारी के साथ में ये योजना और तेज गति से आगे बढ़े, ये हम सबका प्रयास रहेगा, ये मेरा मानना है। ये योजना बनती है तो इससे जो वाटर टेबल ऊपर आता है उसका लाभ लंबे मिलता है, कुओं के अंदर भी ट्यूबवेल के अंदर भी पानी का लेवल बढ़ जाता है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि बाकी तो रोहित बोरा जी बोल चुके हैं, हमारी विधायक सुबह रानी जी, पर मुख्य बात है कि समय आ गया कि हम पानी का उपयोग को कैसे बढ़ाएं, ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, जो नर्मदा तो पानी आ रहा है सांचौर के अंदर डरो जिले के बॉर्डर पर गुजरात से, उसको कंपलसरी किया गया था कि हम कैसे स्प्रिंकलर ही खेती करवाएंगे वहाँ पर। जो इस बात की है कि इस प्रकार की सोच पूरे राजस्थान के लिए हो, आजकल तो विज्ञान और विज्ञान और तकनीकी के जमाना है, और इसराइल को मॉडल मान के चलते हैं दुनिया के लोग, तो उसी ढंग की खेती अगर होने लग जाए और इसके अंदर हम लोग अगर बूंद बूंद खेती और फव्वारा खेती गांव वाले भाइयों को बहनों को समझाने की जरूरत है कि बूंद बूंद खेती का क्या महत्व है और स्प्रिंकलर का क्या महत्व है। एक तो पानी का बचाव होता ही है, तो दूसरी तरफ ये लोगों में आशंका या भ्रम रहता है कि बूंद बूंद खेती से कहीं उत्पादन कम नहीं हो। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है उत्पादन उल्टा बढ़ता है, कम पानी के उपयोग से ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि ये साइंस कहती है। इसलिए ये जब तक हम जन जागरण नहीं करेंगे, ये सब काम तो होते रहेंगे, बांध ही बनेंगे, काली तीली योजना आएगी, जगह जगह हम लोग सैंक्शन भी करेंगे, ये सब काम चलेंगे सरकार की तरफ से, पर साथ साथ में अगर हम लोग साइमल्टेनियसली गांव वालों को शिक्षित करेंगे, उनको समझाएंगे, वो काम करना बहुत आवश्यक है, तब जाकर के कम पानी में ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे, कम पानी में ज़्यादा किसानों को लाभ मिल पाएगा, ये हमारी सोच होनी चाहिए। मेंटलिटी ये है कि अगर पानी उपलब्ध हमारे पास में है और कम पानी में काम चल सकता है, जैसे मैंने कहा फव्वारा खेती या स्प्रिंकल से, तब भी पानी को छोड़ना नहीं चाहता किसान, वो नहीं चाहता आगे पानी जाए, बस पानी का मेरा अधिकार है। ये मैंने विशेष रूप में गंगानगर में देखा है, जहाँ पर मैंने 20 साल पहले ट्राई की थी, क्यों नहीं पानी इतना वेस्ट क्यों हो, कम पानी में खेती ज़्यादा हो सकती है, परंतु उसके बाद में देखा किसानों का वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि नहीं चाहते कि हमारा पानी आगे क्यों जा रहा है। हालांकि जैसलमेर के मोहनगढ़ तक पानी पहुँचा है, टेल एंड तक पानी की सप्लाई भी सुनिश्चित हुई है, अच्छी बात है। उसी प्रकार धौलपुर के अंदर मैं कहूँगा बछौली के अंदर भी, और हमारे जो टॉपर आपका बताया गया अभी धौलपुर बछेड़ी, इन तमाम क्षेत्रों में जो है वहाँ पर कोई कमी नहीं रहे, ये तो बताया गया। तीन बछेड़ी के तीन क्षेत्र, बाड़ी के चार, धौलपुर का एक, राजा खेड़ा के 10, एनीकट तो पूरा पानी भरेगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि पानी का जो मैंने कहा आपको, इन सब क्षेत्रों में जन जागरण करना बहुत आवश्यक है, मेरा मानना है। इसलिए लंबी बात नहीं कहता हूँ मैं कि मुबारक मौके पर रोहित बोरा जी ने जो कहा, मुझे इस बात का एहसास है कि
ये पूरे परियोजना को आपने आगे बढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट लिया और पूरे जिले के अंदर आप लोग सब मिल करके जो भी आपके विधायकगण हैं वहाँ पर, बैरवा जी भी है आपके, मलिंगा जी भी है, शुभानंद बैठी हुई हैं, चारों विधायक मिलकर के पूरे जिले के पानी को लेके, सिंचाई को लेके, जल मिशन को लेके अगर आप मिलकर काम कर पाएंगे तो सरकार पूरी तरह आपके साथ में, जो भी आप इसका और भी कोई योजना बननी होगी तो हम लोग। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कालीपीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास, जिसकी लागत 642 करोड़ 89 लाख रुपए आएगी, और इसके साथ ही सिलावट एनीकट जिला धौलपुर का लोकार्पण, जिसकी लागत 577 करोड़ 34 लाख रुपए की आई है, आपके कर कमलों से आज संपन्न हुआ है। श्री भुवन भास्कर जी, अतिरिक्त सचिव मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राज्य मंत्री जल संसाधन विभाग, विधायकगण जो राजा खेड़ा एवं धौल